हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। निर्जला एकादशी व्रत 2021 20 या 21 जून व्रत कब रखें? पूजा व पारण मुहूर्त आज जरूर करें ये एक काम। साल में आने वाली सभी एकादशी तिथियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा गया। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रतों का फल व्यक्ति को एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। आज हम आपको साल 2021 ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून शाम 4:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून दोपहर 1:31 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 22 जून प्रातःकाल 5:24 से प्रातःकाल 8:12 तक। निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में एकादशी तिथि से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग कर दान पुण्य कर व्रत पूर्ण होता है। इस दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले चंदन, पीले फल फूल, पीली मिठाई, तुलसी पत्र अर्पण करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। व्रती को इस दिन जल से भरा कलश का दान अवश्य करना चाहिए। यह उपवास निर्जल रहकर पूरा किया जाता है। इस दिन शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करना शुभ होता है। निर्जला एकादशी नियम। शास्त्रों में यह व्रत सबसे अधिक कठिन व्रतों में से एक है, इसीलिए इस व्रत के कुछ नियम है। निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एकादशी की पूजा में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। निर्जला एकादशी के दिन परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाकर रखें। एकादशी के इस व्रत को निर्जल रहकर ही पूरा करना चाहिए। निर्जला एकादशी महा उपाय। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन खुद प्यासे रहकर जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, छतरी, शरबत और विशेषकर जल का दान करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। आज के दिन श्री विष्णु मंत्र का 108 बार जाप कर श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की उपासना से व्यक्ति को धन धान्य में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता अनुसार विष्णु जी की पूजा तुलसी बिना अधूरी है, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का शुद्ध दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर परिक्रमा करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।